जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। आज की जो जानकारी है ये होने वाली है एक ऐसे स्टेट और ऐसे एक सिटी के बारे में जहाँ पर 8 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ी अगर आप लेकर जाते हैं तो यहाँ पर प्रतिबंधित है। अब आप बोलेंगे कि ये हमको पता है कि ये दिल्ली की आप बात बताने वाले हैं, तो बिल्कुल नहीं। आज इस वीडियो को आप अगर लास्ट तक देखते हैं तो आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएंगी। और शायद मुझे ये भी आपको कहने में डाउट नहीं होगा कि आपको यह जानकारी और ये नियम बिल्कुल पता पहले से नहीं रहा होगा। तो आइए आज के टॉपिक पर हम फोकस करते हैं, इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको सीख जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि 8 साल पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है एक राज्य में, और उसको कबाड़ करने के लिए भी भेजा जा रहा है। तो इससे आपको सीख भी मिलने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड छोटी से छोटी लेकर बड़ी जानकारी आप तक क्रमवार तरीके से टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। तो यह स्टेट कौन सा है? ये आप बोलेंगे दिल्ली, तो ये दिल्ली नहीं है, यह स्टेट है महाराष्ट्र। सिटी कौन सी है? सिटी है मुंबई। मैं आपको अवगत करा देता हूँ। तो ये स्टेट महाराष्ट्र, सिटी मुंबई। मुंबई सिटी में 8 साल पुराने कमर्शियल डीजल वाहन चलाना गैर कानूनी है, ये आपको बता रहा हूँ। तो आपको लग रहा होगा शौक, क्योंकि आपको ये पता नहीं होगा कि क्या मैं तो आपको ये आपको पता होगा कि दिल्ली NCR में तो 10-15 साल पुरानी गाड़ियों को चलाने पर प्रतिबंध है। तो क्या मुंबई में भी है? मुंबई में बिल्कुल है। आज की जो जानकारी है आप सुनेंगे तो आपको पूर्णतः जानकारी ये मिल जाएगी कि क्या मुंबई में भी ऐसे नियम प्रभावी हैं कि नहीं। तो ये जानकारी आप ध्यान से सुनिएगा। मुंबई में 8 साल पुरानी डीजल कमर्शियल गाड़ी चलाना जो है वो नियमों के विपरीत है। और अभी मैं आपको बताऊं, ये रूल अभी नहीं आया है, ये दिल्ली NCR में जब रूल आया था उसके पहले से ही ये मुंबई में हाई कोर्ट, जो मुंबई हाई कोर्ट है वहाँ से ये न्यूज़ निकल के आई थी, और ये सन 2001 और 2004 में ही रूल आ गया था। समझ पा रहे हैं आप? तो अब आप सुनिए, एक काफ़ी अच्छी आपको मैं जानकारी देता हूँ। मुंबई में यहाँ पर मुंबई ईस्ट के RTO ने, विवेक देवखुले ने, एक गाड़ी को पकड़ा जो गाड़ी मुंबई से, ज़्यादातर मुंबई से ही कोल लेकर वो निकल के जाती थी, हरियाणा वगैरह होते हुए वो पहुँच जाती थी, कभी वो बंगाल जाती थी, और उसके अलावा वो राजस्थान भी जाती थी। तो मुंबई से ही वो अमूमन अपना वो ट्रांसपोर्ट का जो कोल वगैरह है वो लोड करती थी, और राजस्थान या फिर बंगाल और उड़ीसा वगैरह में वो अनलोड होती थी गाड़ी। तो उसका यह व्यवसाय काफ़ी दिनों से चल रहा था। तो यह गाड़ी मुंबई ईस्ट में RTO ने पकड़ ली। अब उन्होंने गाड़ी के RC वगैरह मांगी। ड्राइवर का नाम आपको बता देता हूँ, जिनके नाम यह गाड़ी रजिस्टर्ड है वही गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। दिलखुश नाम के व्यक्ति पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड थी, जो कि अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं, और ये गाड़ी भी राजस्थान रजिस्टर्ड ही है। गाड़ी का नंबर मैं आपको बता देता हूँ, RJ06GB6425 के नाम पे ये गाड़ी, दिलखुश नाम व्यक्ति पर गाड़ी अलवर राजस्थान के रहने वाले, और राजस्थान अथॉरिटी से ही ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी। तो ये गाड़ी राजस्थान की थी, आई थी मुंबई से ही कोल को लाद कर राजस्थान जाती थी, उसके अलावा और किसी स्टेट्स में वो जाती थी। तो इनकी किस्मत ख़राब हुई कि इनको RTO ने पकड़ लिया। अब पकड़ा तो इनसे RC वगैरह जब लिया गया तो हालांकि इनके पास डॉक्यूमेंट तो पूरे थे बिल्कुल, लेकिन जब इनसे देखा गया RC, तो ये गाड़ी जो है वो 2012 की रजिस्टर्ड गाड़ी निकली। सितंबर 2012 की ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। तो RTO ने बोला कि क्या आपको पता है कि मुंबई में भी कमर्शियल डीजल गाड़ी 8 साल पुरानी है, तो आपको यहाँ पर नहीं चला सकते हैं। तो इसके लिए जब दिलखुश नाम के व्यक्ति से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, मैंने तो सुना था कि दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी आप नहीं चला सकते हैं, 15 साल पेट्रोल गाड़ी नहीं चला सकती है, हमें पता है, लेकिन मुंबई के बारे में ऐसा मुझे नहीं पता है। तो फिर RTO ने उनको एक नियम बताया जो कि वहाँ पर हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 17/10/2001 को, ये पहली दफ़ा ऑर्डर आया था, और उसके बाद यहाँ पर 7/4/2004 को ये दूसरी दफ़ा ऑर्डर आया है मुंबई हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ ये बताया हुआ है कि दिल्ली में अगर मुंबई में अगर 8 साल पुराने अगर आप कमर्शियल डीजल का वाहन, मैं पेट्रोल
प्राइवेट गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कमर्शियल डीजल वाहन अगर आप चलाते हैं 8 साल से ज़्यादा है तो उसको आप इलीगल माना जाएगा, इसको नहीं चला सकते हैं। तो अगर आप इसको चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी, उसके अलावा आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। ये ऑर्डर बकायदा आया है और ये नियम भी सही है, इसमें कोई नियमों में गलती नहीं है कि आरटीओ ने गलत तरीके से उस ड्राइवर को रोका। तो ये गाड़ी जो है वो बिल्कुल नियमों के तहत ही पकड़ी गई थी, बिल्कुल सही कार्रवाई की गई। तो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसी के बिला पर आरटीओ के अधिकारी जो हैं विवेक देवघुले, उन्होंने बोला कि आपकी गाड़ी को हमें पकड़ना ही होगा और इसको सीज किया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। तो इसके खिलाफ अब उस गाड़ी की ऑन एवरेज अभी जो वैल्यू है वो 10 से 12 लाख रुपए है। तो जाहिर सी बात है इतनी महंगी गाड़ी अगर किसी की पकड़ी जाएगी और रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके बाद गाड़ी को कबाड़ किया जाएगा तो कोई भी आदमी उसको सहम नहीं कर सकता है। तो उन्होंने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में फिर से गुहार लगाई है, तो इसके ऊपर सुनवाई जल्द से जल्द होने वाली है। लेकिन इसमें जो हाई कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया था तो हाई कोर्ट ज़्यादातर चांसेस यही है कि उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और यह गाड़ी को कबाड़ किया जाएगा। तो अतः हमसे कंक्लूजन इस वीडियो से क्या निकलता है, अतः कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप भी इस तरीके से एक बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपको सतर्क हो जाना है। दिल्ली के अलावा मुंबई में भी अगर 8 साल पुराने आप कमर्शियल डीजल वाहन से गाड़ियों के काम काज कर रहे हैं तो आपको सतर्क होना है, आपको ऐसे गाड़ियों को लेकर नहीं आना है, वरना आप भी कुछ इसी तरीके से दिलखुश तरीके से परेशान हो जाएंगे। तो आज की जो खबर थी ये आपको जागरूक करने के लिए बनाई हमने, और उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा सीख जानकारी मिली होगी इस वीडियो से। आप क्या सीख मिली, क्या जानकारी मिली, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो व्हीकल्स रिलेटेड, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड, परमिट आरसी फिटनेस रिलेटेड, तो आप कमेंट करके यूट्यूब में, उसके अलावा पर्सनली बातचीत कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर @technicalalok, इंस्टाग्राम हैंडल है, 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। तो आइए इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर भी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा सभी लोगों तक अपने फेसबुक और ट्विटर इंस्टाग्राम पर, ताकि सभी लोगों को इस नियम के बारे में पूर्णतः जानकारी मिल जाए। उसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।